मुमताज़ कांग्रेसाई सनतकार सेठ सदर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी गुलबर्गा को नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नामजद किया गया है वो एन के आर के पहले मुस्लिम चेयरमैन है यहाँ ये बात काबिल है की अल्हाजिया सेठ से कब्ल मलिक अर्जुन एम पी गुलबरगा की नहाय करीबी भीमन्ना साली एनी के आरटीसी के चेयरमैन थे अलहाज जिला सेठ के चेयरमैन एनी के आरटीसी नामजद होने से इनके सियासी खत का पता चलता है कल रात नामजदगी की के आम होते ही कांग्रेस आई हल्कों और इलिया सेठ के हामियों की जानिब से जबरदस्त जोश व खरोश का इजहार किया गया अलहाज इलिया सेठ बागबान ने आज दोपहर जबरदस्त रैली के हमरा सरीगा सदन पहुंचकर अपने अपने का जायजा हासिल किया कबल अजी इन्होंने एवान शाही पहुँच कर मलिकार्जुन खड़गे एम पी गुलबर्गा और डॉक्टर शं प्रकाश पाटिल जिला निगरान वजीर गुलबर्गा की शालपोशी व गुलपोशी की इस मौके पर अल्हाज इल्यास सेठ बागबान के बहिखाहों ने मल्लिक अर्जुन डॉक्टर शन प्रकाश पाटिल और डॉक्टर श्र प्रकाश पाटिल और अल्हाज इल्यास सेठ बागबान की गुलपोशी की आज दोपहर चेयरमैन एन के आर की हैसियत से जायजा हासिल करने के बाद अल्हाजिया सेठ ने अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तू करते हुए एनई के आर को सी के लिए सहूलत बख्श बनाने का आजम जाहिर किया उन्होंने कहा कि वो सर्वे के जरिए इन देहात उन्होंने कहा कि वो सर्वे के जरिए उन देहातों का पता लगाएंगे जहाँ बसों की सहूलत नहीं है और ऐसे देहातों के लिए बसों का इंतजाम करेंगे उन्होंने कहा कि इलाका हैदराबाद कर्नाटक रियासत का पसमानदा तरीन इलाका है जहां आज भी ऐसे कई देहात हैं जो बस की सहूलत से महरूम हैं। कई देहात ऐसे हैं जो पक्की सड़क ना होने से बस की सहूलत से महरूम हैं। ऐसे देहातों के लिए सड़कें तामिर करवाने के लिए वो एच के आर डी बी ऐसी फंड की मंजूरी के लिए मल्लिक अर्जुन खड़गे एम पी डॉक्टर चंद्र प्रकाश पाटिल चेयरमैन हैदराबाद कर्नाटक से पुरजोर नुमाइंदगी करेंगे उन्होंने मजदूर कहा कि एन के आर की नाक बसों को तब्दील करने और नई बसें खरीदने के लिए भी एच के आर डी बी और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मुनासिब फंड हासिल करने की भरपूर सही करेंगे फिलहाल जिला सेड ने मजीद बताया कि वो वोदेदार का इजलास तलब करते हुए एन के आर की कारदगी को बेहतर बनाने और अवामी सहूलियात में इजाफा करने के इकदाम करेंगे एक सवाल के जवाब में सेठ ने कहा कि वो एन के आरटीसी में पाई जाने वाली खामियों और बेकायदगी को दूर करते हुए इसे नफा बख्श बनाने को तरजीह देंगे उन्होंने कहा कि वो गुलबरगा शहर में सिटी बस सर्विसेज को वसत देने और ऐसे मुखाम पर जहां बस शेल्टर्स नहीं है शेल्टर्स तमीर करने और दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमत के लिए मिनी सिटी बसें चलाने का मंसूबा रखते हैं उन्होंने कहा कि जायरीन और सियाहों की सहूलत के लिए गुलबरगा शहर में तारीखी सियाहती मुकाम और जियारत गाहों के लिए खसूसी बसें चलाने पर गौर करेंगे अल्हाजिल्ला सेठ ने बताया कि पीर बंगाले दरगाह रिंग रोड ऐसी नजद एडिशनल बस स्टैंड तामीर करने की ज़रूरत है ताकि हैदराबाद ऐसी रात के वक्त आने वाले शहरियान और जायरीन को सेंट्रल बस स्टैंड एम एस के मिल तक जाने की नौबत बाकी न रहे जिलिया सेठ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के केहदे के मजबूत दावेदार थे लेकिन चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और मल्लिक अर्जुन खड़गे ने उन्हें उससे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है इसे वो बखूबी निभाएंगे और वो चेयरमैन एन के आर टी सी की है उन्होंने एक दूसरे सवाल के जवाब में कहा कि वो इस बात को नहीं मानते कि डॉक्टर अलहाज कमर इस्लाम को काबीना से अलहदा करने के इकदाम की तलफी के लिए उन्हें चेयरमैन नामजद किया गया है जायजा हासिल करने के फौरी बाद अल्हा सेठ बागबान ने एन के आरटीसी के आला के के इजलास में शिरकत की इजलास के बाद अल्लाज सेठ की पार्टी कारकुनान हामियों बही और बाग़बान बरदरी की जानब ऐसी बकसरत शालपोशी व गुलपोशी की गयी अलहाज मुजफ्फर अली महागावी अलहाज जमीलुर रहमान अलहाज फारूक अहमद मुला अलहाज अब्दुलरऊफ इंजीनियर मोहम्मद रफीउद्दीन इंजीनियर मुश्ताक अहमद हाफिज मोहम्मद इदरीस हैदर अली चौधरी अब्दुल मिल्लत हेल्पलाइन मोहम्मद इब्राहिम ताजनगर आजम पटेल और दीगर असहाब इस मौके पर मौजूद थे हमारे सीएम साहब मल्लिकार्जुन खड़गे चरण प्रकाश पाठक साहब जो लोग भी मेरे लिए कोशिश किए हैं मैं इन है, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यानी कि एस टी सी में जो भी इनशाला डेवलपमेंट का है इन पूरा पुलिस डेवलपमेंट कर पॉलिटिक में सियासत में एक नया चेहरा हो रहा है हम इसके सब लोग हम जब बेत सफाइश करते हैं